मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में ये हुआ, गैंगस्टर्स के खिलाफ हम लोग ने एक बहुत बड़ी मुहिम पूरे प्रदेश भर में छिड़ी गई है। साथ साथ ड्रग्स के ऊपर भी काफी बड़े पैमाने पर हम लोग से खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। और फरीदकोट पुलिस हैव बिन काफी टाइम से एक्टिव, हम लोग काम करते रहे। इसके अलावा जेल के अंदर भी कुछ सूचनाएं मिलती रही हम लोग की। सरप्राइज रेड हमारे SSP अवनी सिद्धू जो है, इनके निर्देशन में काफी बार हम लोग ने सरप्राइज रेड्स भी की, कई प्राप्तियां भी हुई। उसी रेड्स में हमें एक मॉड्यूल के बारे में टेक्निकल इनपुट भी आया कि यहाँ पे ड्रग और डिस्ट्रीब्यूशन की भी शिकायत थी, और कुछ ऐसे लोग हैं जो लैंड माफिया के साथ भी वर्क कर रहे हैं। हमारी जो टीम थी, हमारे SPD और हमारे DSPD प्लस हमारे और CIA की टीम जो है, इस काम पे लगे। और कल जो है शाम को काफी दुर्दांत अपराधी है कुलदीप सिंह उर्फ कीपा, और इसके 3 साथी कल पकड़े गए हैं। और अब तक की जो पूछताछ हुई है इस पे कई सारी चीजें हमें मिली हैं इनके बारे में। जो ये कीपा नाम का व्यक्ति है, ये बेसिकली मानुके पिंड है मोगा देव जिले का, ये वहाँ का रहने वाला है। और क्राइम की दुनिया में ये बेसिकली आया, शुरुआत में दबंगई करता था, गांव की सरपंची लड़ाई में हिस्सा करता था। तो गांव का इसका एक सरपंच था, अपना क्या नाम है, कुलदीप ज्ञान सिंह को मारने के लिए इसने बेन सिंह, तो बेन सिंह सरपंच था, उसके साथ मिलके जो इनका विरोधी धड़ा था ज्ञान सिंह, उसकी उन्होंने हत्या की। हत्या करने के बाद फिर ये पकड़ा गया, और उसके बाद फिर इसने बेन सिंह से इसकी अनबन हो गई, और फिर इसने बेन सिंह की हत्या, जो उनका एक साथी वहां पे था गोगा करके, उसके साथ मिलकर उन्होंने बेन सिंह हत्या कराई। गोगा जो है एक काफी बड़ा आड़ती था, और काफी जिसे होता है कि पैसे भी उधारी पे देता था, और भी कई सारे काम, उसके लिए उसने ऐसे मसल मैन इसको यूज किया जो ये कीपा था। और उसके बाद इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो गोगा था उसकी हत्या कराई सुखप्रीत बुड्ढा ने। सुखप्रीत बुड्ढा ने इसलिए हत्या कराई कि सुखप्रीत बुड्ढा का साथी था बेन सिंह, जिसको इन्होंने हत्या कराई। ये बात इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कीपा के ऊपर अब सुखप्रीत बुड्ढा के रडार पे है वो, जैसा कीपा ने पूछताछ में बताया। तो कीपा सुखप्रीत बुड्ढा के लिए पहले काम करता था, जब से गोगा की हत्या हुई अब वो उसने पाला पलटा, और उसने जो उनका राइवल गैंग है सेखों करके, ग्रुपी सेखों के शरण में गया, उसके साथ इसने कहा मिलकर काम करेंगे। उसका डुअल एडवेंचर था, एक तो उसको लगा कि इससे मुझे प्रोटेक्शन मिल जाएगी, सुखप्रीत डोडा मुझे नहीं मारेगा, और दूसरा उसके साथ डुअल मिलकर उसे लगा कि और लुक्रेटिव मुझे वहां से फायदा मिलेगा। तो बातचीत में ये भी पता चला कि ये लोग अपना असला असला तो अपने गैंग मेंबर से इनको मिलता ही था, ये व्यापारियों को या और मोतबर बंदों को धमकी दे के उगाही का काम करते थे। इसके अलावा ड्रग पेडलिंग में भी इनको लुक्रेटिव, इनको काफी पैसा आने लग गया, तो इसको भी करते थे। उसमें ही बड़ा गजब का एक हमें इंसिडेंट पता चला। एक पटवारी नाम का व्यक्ति है जो काफी बड़ा ड्रग पेडलर है लुधियाना जेल में है, इसने पटवारी से सामान मंगा के, पटवारी की जो ड्रग्स थी हीरोइन थी उसको इसने से छीन लिया। सो इनका आपस में ही इस तरह से चीजें थी, और उसके बाद उसको इसका इरादा था कि इतना बड़ा, उसने अराउंड 1 किलो के लगभग हमने बरामद किया है नशीला पाउडर जो सस्पेक्टेड हीरोइन है, और उसको ये बेचना चाह रहा था। उसको इसका इरादा ये था कि भटिंडा और कोटकपुरा और उसके आसपास एरिया में इसकी एक सप्लाई चेन स्टेब्लिश करूँ, अपना एक नेटवर्क स्टेब्लिश करूँ, और फिर मैं इस बिजनेस को भी आगे बढ़ाऊँ। तो हमने उस सप्लाई चेन जो ये बनाने की फिराक में था उसको भी हमने थोड़ी यहाँ पे, और इसके अलावा जो ये कोटपुरा में रकी करने निकले थे लोग कि वहाँ पे किस किस को हम लोग करें एक्सटॉर्शन के लिए, उस वारदातों के हमने इसको प्रीएम्प्ट कर पाए। एक इंटरेस्टिंग गल और आई इनकी पूछताछ में कि कीपा इसके साथ साथ एक जग्गा नाम का सरपंच होता था डाबवाली पिंड, डाबवाली के आसपास एक पिंड है, तो वहाँ पे उसका अपना ही पैरेलल कोर्ट चलता था। और वहाँ के आसपास के पिंडों के जिहड़े झगड़े हैं, चाहे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हों या भाइयों के झगड़े हों या और कोई लैंड विवाद हो, वो वहीं अपनी पंचायत होल्ड करता था, और पंचायत होल्ड करते टाइम दोनों पार्टी को बुलाता था, जहाँ पे इसके एज ए मसल मैन के तौर पर कीपा और इसके जो और साथी हैं सेवक सिंह, सुखचैन, सुखविंदर सिंह,
ये सारे अवैध असलाह के साथ वहां हाजिर रहते थे, एक एज एक्ट ऑफ टेरर वहां पे बना के रखते थे, अगर तुमने बात नहीं मानी तो अभी तुम्हें हमारे साथ बहुत बुरा कर देंगे। तो इस तरह की ये लोग टेररिजिंग द सोसाइटी जिसे कहते हैं उस पर ये लोग काम करते रहे, और जग्गा ने कई ऐसे मामलों में उसको सुलझाया, कुछ लोगों के जमीन के झगड़ों को उसने इस तरह से सुलझाया, कुछ जमीनी जो विवाद थे वहाँ पे दूसरी पार्टी को विदाउट एनी कोर्ट ऑर्डर वॉट उसने कब्जे दिलवाए, उन सारों चीज़ों को हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। एक गल और साथ में आई कि इनका राजनीतिक संरक्षण भी कुछ इनको मिला हुआ था, एक मालवा एरिया के एक्स MLA साहब का नाम आ रहा है जिनकी विवादित भूमि काफ़ी बड़ी द एरिया था इनका अम्बाला के आसपास, इस पर ये लोग कब्जा करने के नियत से काफ़ी टाइम वहाँ पे रहे अवैध असलों अपने साथियों के साथ, जिससे कि जो दूसरी पार्टी है उसको डरा धमका के और इससे जमीन लिखवा ली जाए। अभी हमारी चूंकि पूछताछ जारी है, पूछताछ में हम लोग जब वेरीफाई कर लेंगे उसके हम सारी चीजें डिटेल लेके आएंगे, बट वेरीफाई करने के बाद हम इसको देखे लाना चाहेंगे क्योंकि कई सारे पहलू निकल के आ रहे हैं, बट कहने का मतलब कि जो इसकी बातों से समझ में आ रहा है इवन जो जग्गा है वो भी उन व्यक्ति राजनीतिक जो अपने हैं उनके करीबी बताया जाता है, काफी करीबी रहा है, तो एज ए मसल हेंचमैन जो ये लोग यूज किए जा रहे थे उसके में डिटेल्स आई हैं, उन सारी लीड्स को हम लोग अभी वेरीफाई कर रहे हैं। गिरफ्तारी हम लोग इस टेक्निकल रिपोर्ट हम लोग काम कर रहे थे कल गैंगस्टर्स को लेके, पिछले कुछ दिनों में आपने भी देखा होगा एक मॉड्यूल को पंजाब पुलिस ने हरियाणा पुलिस के साथ मिल के हम लोग ने पकड़ा, उसके बाद से काफी हाई अलर्ट पे हम लोग चल रहे थे यहाँ पे और कई जगह में नाके लगे थे। एक नाके पे बेसिकली आया कि लोग वहां से निकलेंगे, हमारी टीम वहां थी, वहां पे लोग काबू किए गए। तो सर क्या कुछ बरामद हुआ इनसे? इनसे बरामद देखिए 4 पिस्तौल 32 बोर की बरामद हुई है और बड़ी अच्छी क्वालिटी की हैं जो पिस्तौल हैं, उसको हम लोग कर रहे हैं बिकॉज इनका ये पूछताछ में आया कि जो अवैध असले हैं वेस्टर्न UP के गैंग के साथ इनका वहाँ पे टाई अप था और ये लोग और भी असला लेने का प्लान बता रहे थे कि साहब वहाँ से लेके आना भी है, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, वेस्टर्न यूपी के सहारनपुर और मुजफ्फरनगर के जिलों के आसपास के लोग बता रहे हैं, उस फ्लीट पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। साथ में एक इनकी टोयोटा एटियोस गाड़ी है जो इनके किसी साथी की थी जिसको वारदातों में यूज करते थे, वो हमने काबू की है, और 3 स्मार्ट मोबाइल फोन्स और एक डोंगल वो हमने काबू किया है, इसका हम लोग टेक्निकल फॉरेंसिक्स के माध्यम से और डिटेल्स निकालने में लगे हैं। ड्रग्स भी 1 किलो हमारा, 1 किलो हमारा ये हीरोइन सस्पेक्टेड है, इसकी कीमत 5 करोड़ बताई जा रही है, जैसे ये बता रहे हैं ये हम लोग बरामद किया है, इसकी भी हम लोग कॉन्सिक्वेंसेस करा रहे हैं। इन्होंने फायरिंग की और जवाबी में हम लोग ने फायर किया और इनको फिर काबू किया। हाँ इनका नाम मैं बता दे रहा हूँ, ये पहला जो ऐसे में नाम लिया कुलदीप सिंह उर्फ कीपा, ये वासी है मानुके पिंड का, जिला मोगा का। इसके अलावा सेवक सिंह उत्तर बलजिंदर सिंह, ये पिंड लहरी थाना तलवंडी साबो जिला बठिंडा का है, ये भी उस जग्गा जो जिसका मैंने नाम लिया था सरपंच उसका काफी क्लोज साथी ये भी है। तीसरा है सुखचैन सिंह और भुजिया, ये थाना भिक्खी जिला मानसा रहने वाला है। चौथा व्यक्ति सुखविंदर सिंह उर्फ काला, ये थाना मौड़ जिला बठिंडा। 4 व्यक्ति हम लोगों ने भी गिरफ्तार किए हैं। इनकी पूछताछ में कुछ और नाम भी आ रहे हैं, कुछ होटल्स के भी नाम आ रहे हैं जहाँ पे लोग रुकते रुकाते थे, उसको भी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। सो उम्मीद है कि कुछ इनके साथियों की गिरफ्तारी भी हम लोग जल्दी करेंगे। सर जो ड्रग्स पकड़ी गई ये इन्हीं के पास से थी, ये इनके जैसे बताया ना, ये जो पटवारी करके जो व्यक्ति है इससे उन्होंने छीना था और छीन के उन्होंने था कि इस हीरोइन को हम लोग बेचेंगे, एक सप्लाई चेन बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, उसमें शराब में लोग लगे। मैं मानूंगा काफी बड़ी सफलता है इस हमारी मुहिम को जो गैंगस्टर्स के खिलाफ और ड्रग्स की लड़ाई के खिलाफ हम लोग मुहिम चला रहे हैं। ड्रग्स की लड़ाई में हम लोग का मेन है कि सप्लाई चेन को जब तक हम नहीं काटेंगे इस लड़ाई पे हम लोग जीत नहीं पा सकते। तो मैं बधाई दूंगा हमारी फरीदकोट पुलिस को, हमारी SSP साहिबा जो है उनकी पूरी टीम को, उन्होंने इसमें काफी बड़ी कामयाबी दी।